भारतनगर नामक एक गांव में हरिया अपनी बीवी पूनम के साथ रहता था। हरिया एक किसान था। वो सारा दिन गांव में खेतीबाड़ी करता और गांव वासियों को अपने खेत की ताजा सब्जी खिलाता। भारतनगर गांव में एक चुड़ैल का साया था। उस चुड़ैल ने सभी गांव वासियों की नाक में दम कर रखा था। वो रोज रात में आती और गांव वासियों का दरवाजा खटखटाती और उनसे शराब मांगती। गांव वासियों के शराब ना देने पर वो चुड़ैल उन्हें मार देती। एक दिन हरिया अपने खेत से थकार कर शाम को घर लौटता है। अरे पूनम, मैं आ गया हूँ खेत से काम करके। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, तुम जल्दी से खाना लगा दो। जी, आप जल्दी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। खाना खाते समय हरिया पूनम से बात करते हुए, पूनम मैं सारा दिन खेत में काम करता हूँ, मेरा सारा दिन पसीना लगता है खेत में सब्जी बोने में, उनकी देखभाल करने में, और गांव वाले ये सब्जियां नहीं खरीदते तो मुझे बहुत दुख होता है। हमारी बहुत फसल भी खराब हो जाती है और कभी कभार सब्जी के मुताबिक हमें पैसे भी नहीं मिल पाते, ऐसे तो हम कर्जे में आ जाएंगे। जी आप चिंता न करें, जल्द ही कुछ ठीक होगा। पूनम और हरिया खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर से आवाज आती है। वो एक शराबी चुड़ैल होती है। मैं शराबी। एक तो यहाँ हमारा काम धंधा नहीं चल रहा और एक इस शराबी चुड़ैल ने हमारी नाक में दम कर रखा है। यहाँ हमारे खाने के पैसे नहीं हो पाते, हम दोनों मियाँ बीवी बड़ी मुश्किल से रोटी का गुजारा कर रहे हैं और यहाँ ये चुड़ैल, इसको रोज शराब पिलानी पड़ती है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने इस शराबी चुड़ैल को कितनी शराब पिला दी है पर ये बिल्कुल बाज नहीं आती। रोज ही हमारे दरवाजे पर शराब मांगने आ जाती है, इसका कोई ना कोई इलाज निकालना ही पड़ेगा। बताओ जी हम क्या करें। अभी तो तुम इसे शराब दो, इस शराबी चुड़ैल का करते हैं हम कुछ ना कुछ इलाज। पूनम अलमारी से एक शराब की बोतल निकाल कर दरवाजे के नीचे से चुड़ैल को दे देती है। बस ऐसे ही मुझे शराब मिलती रहे तो कितना अच्छा हो, कभी कभार तो मुझे कोई शराब नहीं देता इसीलिए तो मैं उन्हें मार डालती हूँ। मुझे और किसी से नहीं मतलब, मुझे मेरी शराब से मतलब है। बस रोज एक बोतल शराब मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मैं शराबी। चुड़ैल ऐसा बोलकर शराब पीते पीते वहां से गायब हो जाती है। अगली रात चुड़ैल फिर से पूनम के पड़ोसियों के घर का दरवाजा खटखटाती है। मैं शराबी। शराब दो मुझे, मुझे शराब दो या अपनी मौत दो। पूनम और हरिया चुड़ैल के शराब मांगने का सारा दृश्य अपनी कमरे की खिड़की से चुपचाप देख रहे थे। देखो ये चुड़ैल कैसे आए दिन गांव वासियों के नाक में दम करे रखती है। यहाँ देखो, कल हमसे शराब मांग के ले गई, आज पड़ोसियों से मांग रही है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुड़ैल पड़ोसियों का गेट खटखटाती रहती है और गाना गाती जाती है। मैं शराबी। मुझे शराब दो या मौत दो। चुड़ैल बड़ी देर तक हरिया के पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाती है। चुड़ैल के काफी देर तक गेट खटखटाने पर भी उनके पड़ोसी जब चुड़ैल को शराब नहीं देते तो चुड़ैल गुस्से में आकर उनका गेट तोड़ देती है और उन्हें जान से मार देती है। अगले दिन सारे गांववासी एकत्रित होते हैं और हरिया के पड़ोसी का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में गांव के सरपंच भी होते हैं। तभी सारे गांववासी डरे हुए सरपंच के समक्ष अपनी परेशानी बताते हैं। सरपंच साहब, ये देखो
शराबी चुड़ैल ने गांव का क्या हाल कर दिया है। आए दिन वो किसी ना किसी की जान लेने पे तुली रहती है। हम बहुत परेशान हैं, ना ही हमारा काम धंधा चल रहा है और ऊपर से रोज इस चुड़ैल के लिए शराब लाकर रखनी पड़ती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। सारे के सारे गांववासी हरिया की बात से राजी होते हैं। जी सरपंच साहब, हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक दिन सारे के सारे गांववासी मारे जाएंगे और फिर हम इसे शराब पिला पिला कर कंगले हो जाएंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने गांव के लिए, नहीं तो एक दिन हम सब बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। तभी एक गांववासी बोल पड़ता है, हमें ना एकजुट होकर गांव के बाबा के पास जाना चाहिए, अब तो वही हमारी परेशानी का हल निकालेंगे। सारे के सारे गांव के लोग एक साथ बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। बाबा जी हमें बचाओ, बाबा हमें बचाओ, हम सब की जान खतरे में है, बाबा हमारी जान बचाओ। क्यों, क्या हुआ बच्चों, तुम सारे के सारे इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबा हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है, वो एक शराबी चुड़ैल है और रोज रात हमारे घर के दरवाजे पर आकर वो हमसे शराब मांगती है। हाँ बाबा जी, और हम अगर उसे शराब ना दें तो वो हमें जान से मारने को कहती है। सरपंच भी हरिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए, जी बाबा मैं खुद बहुत परेशान हूँ, कल ही उस शराबी चुड़ैल ने हमारे गांव के एक इंसान की जान ले ली है। उसने उस शराबी चुड़ैल को शराब नहीं दी थी और उस चुड़ैल ने उसकी जान ले ली। बाबा जी गांव का मुखिया होने के कारण मैं बहुत परेशान हूँ, आप कैसे भी करके हम सब गांव वासियों की जान बचाओ। ठीक है, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ इस शराबी चुड़ैल को मारने का तरीका। बाबा सरपंच को गंगा जल दे देते हैं। सरपंच जी आज रात में जब भी यह शराबी चुड़ैल गांव में शराब मांगने के लिए गांव वासियों का दरवाजा खटखटाए तो तुम सब उसे ये गंगा जल एक बोतल में भर कर दे देना। इस पवित्र जल को पीने के साथ ही वो शराबी चुड़ैल मर जाएगी और उसके साथ ही इस गांव से उसका नामो निशान मिट जाएगा। बाबा सरपंच को गंगा जल थमा देता है। उसी रात चुड़ैल फिर गांव में सरपंच का दरवाजा खटखटाती है। मैं शराबी शराब दो या अपनी मौत दो? नहीं दी तो अपनी मौत का स्वागत करो। सरपंच बाबा के बताए अनुसार ही चुड़ैल की बोतल में गंगा जल भर कर दे देता है। देखो इन गांव वासियों को मेरा कितना खौफ है, ये सारे के सारे अपने घर में मेरे लिए शराब रखते हैं, इन्हें आखिरकार अपनी जान जो प्यारी है। चुड़ैल सरपंच के द्वारा दी गई बोतल को खोलती है और उसे शराब समझकर पीने लगती है। चुड़ैल के गंगा जल पीते ही वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल को गंगा जल पीते ही गले में जलन होने लगती है। चुड़ैल बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे अरे क्या पिला दिया मुझे मनहूस आदमी, इससे मेरा गला जल रहा है, अरे ये मैंने क्या पी लिया, मुझे कोई बचाओ बचाओ मुझे, मेरे गले में जलन हो रही है। चुड़ैल गंगा जल पीते ही बहुत जोर जोर से तड़पने लगती है। देखते देखते चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। उसे जलता हुआ देखकर सारे के सारे गांव के लोग अपने घर से बाहर आ जाते हैं। चुड़ैल, ओ शराबी चुड़ैल, तुझे क्या लगा था, हम सब तुझसे डर गए और हम तुझे ऐसे ही अपनी मेहनत की कमाई की शराब पिलाते रहेंगे हैं? देखा तूने तेरा क्या हश्र किया है हम सब ने मिलकर, हम सब तुझे खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे आज तो। देखते ही देखते चुड़ैल सारी की सारी जल जाती है और गांव से उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। अब कोई भी चुड़ैल रात में गांव वासियों को परेशान नहीं करती
और सारे के सारे गांववासी मिलकर प्रेम के साथ गांव में रहते हैं।